नमस्कार एंड वेलकम फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो के इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। आज का जो ट्यूटोरियल है वो एक रिक्वेस्ट ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग कोरल ड्रॉ से, और यहाँ देख सकते हैं कि अर्नव कारफा ने कमेंट किया है कि हाउ टू ड्रॉ लेंस विथ रे डायग्राम्स यूजिंग कोरल ड्रॉ, प्लीज़ मेक अ वीडियो, आई रियली नीड इट। तो सबसे पहले अर्नब कारफा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा और आपने कमेंट किया, और आप लेंस डायग्राम रे डायग्राम कोरल ड्रॉ के अंदर चाहते हैं कि मैं उस रिलेटेड वीडियो बनाऊं। तो चलिए मैं आज आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनाएंगे हम लोग डायग्राम बनाएंगे। फिजिक्स का एक डायग्राम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस का एक डायग्राम आपको देख यहाँ पे दिख रहा होगा। ये डायग्राम मैंने बनाया है कोरल ड्रॉ के अंदर, कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपको तरीका पता है, प्रोसेस पता है, तो आप किसी भी कोरल ड्रॉ के वर्सन में आप कर सकते हैं, चाहे वो कोरल ड्रॉ X5 हो, X3 हो, X6 हो, या कोरल ड्रॉ 12 हो, 11 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको प्रोसेस और तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस को ज़रा गौर से आप देख लीजिए, ये डायग्राम को, फिजिक्स का एक डायग्राम है कॉन्वेक्स लेंस का। यहाँ पे इसे थोड़ा सा गौर से आप देखिए, उसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट बाय पार्ट तरीका बताऊंगा कि आप भी इस तरह का डायग्राम कैसे बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ देखिए कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं, आप थोड़ा सा गौर से इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ये देखिए, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। तो ये कैसे बनाएंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि ये जो बीच का जो पोर्शन है, ये आई नुमा जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, अब ये वाला सबसे पहले हम लोग बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मैं एक इस पार्ट बाय पार्ट आपको दिखाऊंगा। पहले ये दिखाऊंगा, फिर ये वाला दिखाऊंगा, ये वाला जो एरो नुमा जो साइन दिया हुआ ये वाला, फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो ये डायग्राम को फ़िलहाल हम लोग साइड में रख देते हैं, जिससे मैं आपको दिखाता भी चलूँ और आप भी सीख सकें। तो इसको मैं पेज के साइड में, देखिए जब कोरल ड्रॉ को ओपन कीजिएगा तो सबसे पहले फाइल में जाते हैं, फिर न्यू में क्लिक करते हैं तो नया एक पेज उभर कर आ जाता है। आपको करना क्या है, तो आप बेस्ट यही है कि आप चौड़ा वाला पेज लें। जब नया पेज आएगा तो यहाँ पे लैंडस्केप चूज़ कर लें, लैंडस्केप में ये डायग्राम जो है ये अच्छी तरह से बन पाएगा। अब ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आई नुमा जो लेंस का ये वाला है, ये कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो टूल बॉक्स है यहाँ पर, ये जो इलिप्स टूल है जिससे हम लोग सर्कल बनाते हैं, इस पर आप क्लिक कीजिए और एक नॉर्मल सा इस तरह सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैंने इतना बड़ा एक सर्कल, इस तरह आप सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए मैंने एक सर्कल बना दिया, नॉर्मल सा इस तरह अंडाकार टाइप का सर्कल बनाया। इसका आपको क्या करना है, इसका एक डुप्लीकेट बनाना है। तो इसको ड्रैग करके भी डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो बेस्ट सिंपल तरीका मैं आपको दिखाता हूँ, एडिट में जाइए और यहाँ से एक डुप्लीकेट कर दीजिए। एक और सर्कल यहाँ पर आप देख सकते हैं बन गया। अब इस सर्कल को आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर रखना है। जैसे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, जैसे ये आइनुमा जो बनाया है मैंने ये वाला, तो ये वाला में इस तरह आपको सर्कल को रख देना है। देख लीजिए आप अच्छी तरह से, इसको जितना आपको पतला करना है यहाँ से आप कर सकते हैं, इसको बाद में भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब दोनों को, ये सर्कल को दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसे मैंने रख दिया, देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है। अब दोनों को इस तरह आपको सिलेक्ट कर देना है, ये मैं सिलेक्ट कर दे रहा हूँ, दोनों सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद आप अरेंज में चले जाइए, उसके बाद यहाँ शेपिंग में जाइएगा, उसके बाद शेपिंग के सब मेनू में जाइए, शेपिंग्स में क्लिक कीजिए, उसके बाद शेपिंग का इस तरह का एक डॉकर आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स बोलिए चाहे डॉकर बोलिए, वहाँ से आपको इंटरसेक्ट का ऑप्शन चूज़ करना है। इंटरसेक्ट चूज़ किया और यहाँ पे लीव ओरिजिनल दोनों ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर देना है। आप एक एक ऑप्शन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपको दोनों ऑप्शन से यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर आप ये दोनों बॉक्स को चेक कीजिए, उसके बाद जो इंटरसेक्ट विथ है उस पर क्लिक कीजिए, और आपको क्या करना, ठीक यहाँ पे ये जो बीच वाला जो ये पोर्शन दिया हुआ है इसके लाइन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, देखिए बाकी जो सिलेक्शन वो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ जिस जगह आपका इंटरसेक्ट हुआ है यहाँ आपको इंटरसेक्स चूज़ करना है, इसको ऑन करना है, इंटरसेक्स विथ पे क्लिक करना है और ये ठीक यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये देखिए ये पोर्शन आपका निकल जाएगा, ये देखिए ये पोर्शन अलग हो गया। अब ये जो दो सर्कल है इस पर क्लिक कर देते हैं, इसे डिलीट कर दीजिए, ये मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ये देखिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब डिलीट करने के बाद सिर्फ ये पोर्शन रह गया आपका, ये जैसे ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, इसको आप चाहें तो इस तरह ड्रैग करके लंबा पतला यहाँ से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
ये मैंने यहाँ पे कर दिया। इसको पेज के बीचों बीच रख दीजिए, बेस्ट है। उसके बाद इसको पेज के बीच में रखने के लिए पहले में जाइए, यहाँ पे देखिए अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे सेंटर टू पेज पे क्लिक कर दीजिए, पेज के बीचों बीच आ जाएगा तो बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आ गया। अब इसको क्या करना है, आपको कलर कर देना है। तो कलर यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्लू टाइप का मैंने कलर किया, तो यहाँ से कोई सा भी एक हल्का सा लाइट कलर मैंने ले लिया, यहाँ पे कलर हो गया। इसका आउटलाइन के लिए हेयर लाइन है यहाँ पे, यहाँ से आप 2 भी ले सकते हैं, 4 भी, जैसे 4 ले लिया दिखेगा। हो गया, ये कलर हो गया। अब सवाल उठता है ये जो लाइन है, देखिए ध्यान से, ये जो लाइन जो है रेस का जो लाइन है, ये वाला लाइन हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से लेके यहाँ कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एक बेस्ट है, आप यहाँ से एक ऊपर जो रूलर है यहाँ से आप क्लिक करके एक इस तरह का गाइडलाइन ले लीजिए, इससे थोड़ा सा आसानी होगा काम करने में, ये लेफ्ट राइट जाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ से एक गाइडलाइन ड्रैग कर लिए, ड्रॉ कर लिए। गाइडलाइन नहीं भी बनाइएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बना लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से जैसे ये लाइन है प्लस ये लाइन है, ये कैसे ड्रॉ करते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, टूल बॉक्स में जाइए। टूल बॉक्स में जाने के बाद यहाँ जो टूल है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक टूल है जिसमें आपका फ्री हैंड टूल है, इसमें चले जाइए और यहाँ से ये जो टूल है बेजर टूल, बेजर टूल आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे कहीं भी यहाँ से ऊपर में इस पोर्शन में यहाँ पे रखिए, तो पेज के किनारे से यहाँ फर्स्ट क्लिक आपको करना है। जैसे यहाँ से मैं इसको देखिए, यहाँ से मैं फर्स्ट क्लिक किया, ठीक यहाँ पे लाया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लेके आया, इसको फर्स्ट क्लिक किया यहाँ से और यहाँ पे क्लिक करते हुए एक क्लिक यहाँ पे कर देंगे, इस जगह पे यहाँ पे आपको कर देना है ये यहाँ पे, तो दूरी पे जैसे आपको जितना रखना है, ये देखिए यहाँ से लेके एक लाइन यहाँ से बना दिया, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक या थर्ड क्लिक, इस तरह लाइन बन गया। उसके पिक टूल पे क्लिक किए, लाइन बन गया मेरा। अब इसको थोड़ा सा थिक कर देते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ से 4 पे क्लिक कर दिया, ये लाइन देखिए बन गया। आप चाहें तो इसको कलर भी कर सकते हैं, कलर करने के लिए इसको क्लिक करके सिलेक्ट रखिए, उसके बाद कलर पैलेट में जाइए और यहाँ से कलर जो भी चाहिए राइट क्लिक कर दीजिए, ये कलर हो जाएगा। थोड़ा डीप चाहिए तो डीप, ये देखिए ऐसा कलर आ गया, देख सकते हैं ये हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं करना है, अब इसी का आपको डुप्लीकेट बना देना है। तो इसको क्या कीजिए, कैसे, एक तरीका सिंपल तरीका है, इसके ऊपर आप क्लिक करके रखिएगा, माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इस तरह ड्रैग करके राइट क्लिक करके ऐसे भी आप डुप्लीकेट बना सकते हैं। अगर ऐसे नहीं बना पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, इस पर आप लाइन पर क्लिक कीजिए, एडिट में जाइएगा और यहाँ पे देखिए नीचे डुप्लीकेट है, इस पर क्लिक कर दीजिए, एक लाइन और बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ठीक इसके नीचे, ये देखिए मैं ठीक इसके नीचे यहाँ पे ला के रख देता हूँ, जितना आपको गैप रखना आप यहाँ से रख सकते हैं, जितना इतना गैप रखना है। लेकिन अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये जो लाइन देखिए यहाँ से मेरा यहाँ चला आया, ये तो हल्का सा, ये लाइन पे थोड़ा जूम करते हैं, ये देखिए आपको दिखेगा तो समझ में आएगा। जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ आ गया, अब ये जो हल्का सा जब इस पर देखिएगा, इसका पॉइंट दिखाई देगा, सिर्फ पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करके यहाँ पर लगा देना है, ठीक इस जगह पर, ये देखिए ये पॉइंट के लाइन पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली चिपक जाएगा। ये हो गया, हो जाने के बाद तो ये लाइन हो गया, इधर का लाइन हो गया, ये बन गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसी का एक डुप्लीकेट आपको बना के इधर आप पेस्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, इजी वे में सीखिए। अब इसको आप दोनों को सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, इसी का आप डुप्लीकेट जैसे पहला वाला का है यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, एडिट में जाइए, इसका आप डुप्लीकेट बना लीजिए। एक डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट होने के बाद आप इसको चाहे तो आप यहाँ से लाके इसको ऐसे रखिए, यहाँ पे रखा मैंने, देखिए ध्यान से। उसके बाद जब इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे उसका देखिए एक रिफ्लेक्ट का मिरर का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे एक मिरर बटन दिया हुआ, इस पर क्लिक करेंगे ऐसे दिखेगा, इस पर नीचे वाला पे क्लिक कर दीजिए, देखिए ऐसे आ जाएगा, देखिए एकदम ठीक इसका ऑपोजिट इस तरह आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं हो रहा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा, ऐसे आप क्लिक करते जाइएगा तो आपको खुद ब खुद इसमें आपका देखिए आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। उसके लाने के बाद ठीक इसका यहाँ पे आपको मिला के ऐसे लगा देना है, देखिए थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए ऐसे लगा दिया, ये देखिए सेम इस लाइन का पहला लाइन का ये बन के यहाँ पे तैयार हो गया। फिर दूसरा लाइन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इसका सेम एडिट में जाइए, इसका एक डुप्लीकेट बना लीजिए, डुप्लीकेट हो गया, आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको नीचे रख देता हूँ, यहाँ पे सिंपली आप रख दीजिए। यहाँ पे होने के बाद अगेन आप मिरर वाला जो ऑप्शन है नीचे वाला पे क्लिक किए, मिरर बटन पे, ये देखिए बन गया। इसको थोड़ा सा आप ला के यहाँ पे आप ठीक यहाँ पे इसके लाइन पे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लाइन पे, ठीक एकदम सेम टू सेम इस तरह का आपका लाइन बनके तैयार हो गया, देख सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देखिए पूरा सेम टू सेम उसी हाइट साइज, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बन गया। तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। अब सवाल उठता है इसमें जो ये दिया हुआ है, इधर का भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पोर्शन भी दिखाऊंगा कि कैसे बने, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो बन गया, अब ये एरो ये भी दिखाऊंगा। पहले ये वाला देख लीजिए, ये वाला ये पोर्शन बन जाएगा, ये दोनों बन जाएगा और ये तीनों बन जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
अब ये जो पोर्शन आपको दिखाई देगा, ये जो ट्रायंगल नुमा ये जो बना हुआ है, ये कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है आपको। यहाँ टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे देखिएगा सेप टूल है। यहाँ पे ये जो टूल है जिसका नाम है आपका बेसिक सेप, इसमें क्लिक कीजिएगा कॉर्नर पोर्शन में, और यहाँ पे बहुत सारा आपको इस तरह का सेप, बेसिक सेप, एरो सेप, उसके बाद फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ ऊपर जाइएगा फ्लो चार्ट वाला में, तो यहाँ पे जो ऊपर प्रॉपर्टी बार है, यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल नुमा यहाँ पर बना हुआ देख सकते हैं। अब इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, आप छोटा सा एक ट्रायंगल नुमा ऐसे बना लिया मैंने, ये देखिए ऐसे बना लिया आपको, जैसे ये वाला बना हुआ बन गया। अब इसको कलर कर देना है, तो कलर यहाँ से आप जो चाहिए कलर, यहाँ ब्लू कलर जो भी लेना है आप कलर कर दिया है। करने के बाद इसको और छोटा करना है, बहुत बड़ा दिख रहा है, ये देखिए हो गया। अब इसको क्या करना है, जस्ट इसको 90 डिग्री कर देना है। तो 90 डिग्री करने के लिए आप इसको सिंपली यहाँ पे बॉक्स में जाइए, 9090 लिखिए यहाँ पे और इंटर दबा दीजिए। ये मैं इंटर दबा देता हूँ, देखिए ऐसा आ गया। तो यहाँ पे उल्टा कर सकते हैं, ये देखिए ऐसे यहाँ पे क्लिक कीजिए मिरर में, ये देखिए यहाँ पे ये बन के तैयार हो गया, देखिए यहाँ पे ये आ गया। फिर इसी का एक डुप्लीकेट करना है, एडिट में जाइए, यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक कर दीजिए, एक डुप्लीकेट बन गया यहाँ से, ठीक है। इसका यहाँ पे आप इसके ठीक लाइन पे लगा दीजिए। अगर लगता है कि नहीं टेढ़ा बेका हो जा रहा है या उल्टा सीधा हो जा रहा है, तो सिंपली आप यहाँ पे रूलर में जाइए, यहाँ से गाइडलाइन ले लीजिए, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे पहले वाला से ठीक शेप में ये आ जाएगा, देखिए थोड़ा सा बाहर लग रहा है, देख सकते हैं। इस पर क्लिक करके एरो की से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सिंपली आप यह माउस से इसको ड्रैग कर दीजिए, ऐसे ये बन गया, देख सकते हैं ये बन गया यहाँ से। अब ये दोनों को ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाइए, यहाँ से आप डुप्लीकेट कर लीजिए, ये बन गया। अब इसको ठीक उठा के यहाँ पे लाके आपको रख दीजिएगा, एकदम सेम इसी हिसाब से देखिए यहाँ पे इस नीचे वाला लाइन पे बैठ जाएगा, देखिए यहाँ पे बैठ गया, देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर से आसानी के साथ मैं इजी तरीका आपको दिखा रहा हूँ, सबसे सिंपल तरीके से यहाँ पे आके आपका बैठ गया, देख सकते हैं। तो ये पोर्शन हो गया, ये हो गया दोनों, तो इधर का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब ये वाला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला, ये और ये जो एरोनुमा ये कैसे बनेगा। तो इसका सिंपल है, बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब जितना आपको रखना है, जैसे यहाँ से आपको रखना है यहाँ तक रखना है, यहाँ पे डिपेंड करता है, इसको यहाँ तक रखना है, तो यहाँ से अगेन आप यहाँ पे जाइए और यहाँ पे ये जो बेजर टूल है इस पर क्लिक कर दीजिए और सिंपल सा एक लाइन ऐसे आप ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, एक लाइन हो गया स्ट्रेट लाइन। और भी लंबा करना है तो आप यहाँ से फर्स्ट क्लिक एंड लास्ट क्लिक दे सकते हैं। ये जो लाइन बन गया, इसको यहाँ से जाके हम इसको 4 पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, हो गया। उसके बाद यहाँ से कलर ले लीजिए, लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक कर दीजिए, हो गया। अब एक जो ये वाला पोर्शन था यहाँ पे, जो ये ट्रायंगल था, इसको एडिट में जाइए, यहाँ से एक डुप्लीकेट और कर देते हैं, एक आ गया। अब सिंपली इसको यहाँ पे लगा दीजिए, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट और जूम कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा ठीक से आपको लगाना होगा। ये मैंने लगा दिया है यहाँ पे। इसका कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहिए, जैसे कलर हो गया। अब इसको दोनों को आपको क्या करना है, दोनों को सिलेक्ट कीजिए सर के, उसके बाद यहाँ पे देखिए कंबाइन वेल्ड बोल के ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दिया, वेल्ड इस तरह आ रहा है, तो ऐसे हेयर लाइन इसको और ठीक कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 4 पॉइंट कर दिया, हो गया। अब इसको क्या करना है, अब इसको कलर करना है, कलर कर सकते हैं, ये देखिए कलर हो गया जो यहाँ पर कलर था। अब इसको यहाँ पर लाना है, इसको यहाँ पर लगा देना है, यहाँ पर देखिए जितना आप इसको कॉर्नर से मोटा पतला जितना छोटा करना है कर सकते हैं। इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको घुमा दीजिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये पोर्शन आ गया, ठीक यहाँ पे रख दीजिए, ये देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए जैसे ये जो लाइन है, और इसको घुमाना है थोड़ा ऊपर और ऐसे घुमा दीजिए, फिर बीच में क्लिक कीजिए, इसको यहाँ से यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ये देखिए लग गया, जैसे ये वाला बना हुआ देख सकते हैं आप, ये और ज़्यादा छोटा लग रहा है तो आप इसको ऐसे। उसके बाद इसका डुप्लीकेट कर दीजिए एडिट में जाके, यहाँ से आप डुप्लीकेट पे क्लिक कीजिए, एक बन गया। फिर यहाँ से आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, इसको क्लिक करके इसमें थोड़ा सा इसको घुमा देते हैं, यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे दोबारा क्लिक कीजिए, रोटेशन का ऑप्शन आएगा, इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आप इसको नीचे लगा दीजिए, ये देखिए इसको छोटा करना है, ये हम लोग छोटा कर देते, हो गया। इसको पहले ज़्यादा लग रहा, कम लग रहा तो इसको घुमा दीजिए थोड़ा सा आप ऐसे, यहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं, ये देखिए ये बन गया। जैसे ये वाला बना है देखिए, ऐसे बना हुआ है यहाँ पे। फिर दो इसी का सेम आपको क्या करना है, इसी का आपको ऐसे सेलेक्ट कर दीजिए उल्टा ऐसे करके, सिलेक्शन के बन गया, एडिट में जाइए, अब यहाँ से इसका डुप्लीकेट कर दीजिए, डुप्लीकेट हो गया, इसको ठीक यहाँ पर ला के नीचे रखिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको सिर्फ घुमा देना है, तो यहाँ पर मिरर का ऑप्शन है, नीचे वाला पे क्लिक कर दीजिए, ये देखिए तो ऑटोमेटिकली ये देखिए घूम गया, नीचे आ गया, बहुत सिंपल है। इसको आपको सिर्फ यहाँ पे लगा देना है, ये देखिए लग गया, ये देखिए बन गया, जैसे ये बन गया देखिए, ये बन गया, सिंपली है, बहुत आसान है, ये बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे।
ये हो गया। अब सवाल उठता है, ये सब सब कंप्लीट हो गया, आप एक बीच में लाइन लेना है। देखिए जैसे ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो सिंपली आपको क्या करना है, इसी पे बेजर टूल पे क्लिक कीजिए। यहाँ से फर्स्ट लाइन, यहाँ से थोड़ा बाहर से यहाँ से क्लिक कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर से यहाँ पर क्लिक किया फर्स्ट क्लिक, अब यहाँ पर जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पर एक क्लिक और कर दिया, हो गया ये लाइन तैयार हो गया। फिर पिक टूल में क्लिक कीजिए, लाइन सेलेक्ट हो गया, यहाँ से हेयर लाइन है, यहाँ से आप 4 पे क्लिक कर दीजिए, मोटा हो गया। अब यहाँ से कलर चूज़ कर लीजिए, हो गया। अब एक सर्कल यहाँ है, ये सर्कल, ये सर्कल, ये से 4 सर्कल है, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक कीजिए, एक सर्कल छोटा सा इस तरह ड्रॉ कर दीजिए, इसको कलर करना है, तो यहाँ से आप लेफ़्ट क्लिक कीजिए, कलर हो गया। अब सिंपली आपको इसको क्या करना है, यहाँ पर आपको रखना है, ये देखिए मैंने एक सर्कल यहाँ पर रख देता हूँ, एडिट में गया, इसी का आपको डुप्लीकेट कर दीजिए, हो गया। एक सर्कल आपको यहाँ पर रखना है, यहाँ पर रखा, एक सर्कल और चाहिए, एट में जाइए, इसे डुप्लीकेट कर देते हैं, ये डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते हैं, ये देखिए ठीक यहाँ पे इसका ठीक मिडिल पोर्शन में एक सर्कल यहाँ पे आ गया, हो गया। अब एक सर्कल ठीक यहाँ स्टार्टिंग में रखना है, इसी को आप एट में जाइए, यहाँ पे डुप्लीकेट कर दीजिए, हो गया। अब इसको ला के आपको यहाँ पर ठीक इस जगह पर आपको रख देना है, ये बन गया देखिए 3 सर्कल। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा सा कम ज़्यादा है, ये थोड़ा सा नीचे है या ऊपर है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ से जूम कीजिएगा, उसके बाद इसे आप बड़ा लग रहा है तो थोड़ा छोटा कर दिए ड्रैग करके, ये थोड़ा सा यहाँ से सबको थोड़ा सा आप इक्वली साइज थोड़ा करना पड़ेगा, ये देखिए ये बन के तैयार हो गया, ये थोड़ा सा ये ज़्यादा बड़ा है, आप इसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट करते जाइएगा, हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। ये हो गया, इसको लगता है थोड़ा सा और थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जिससे काम करने में आसानी होगा, ये देखिए ठीक है, सब ठीक है, ये देखिए, ये देखिए 1 2 3 4, ये देखिए बन गया 1 2 3 4। यहाँ पे O लिखना है, यहाँ पे 2 F1, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2, तो ये लिखना है, तो वो कैसे लिखते हैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा ड्राइंग कंप्लीट। अब सिर्फ हमें लिखना है, इसमें कैसे लिखेंगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला, ये पोर्शन में 2 F1 F1 ये लिखना है, तो सिंपल है, आपको लिखने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। जैसे नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लिखना है 2 F1, तो यहाँ पे आप ये जो टूल है टेक्स्ट टूल, इसमें क्लिक कीजिए, यहाँ से आप लिख दीजिए 2, आपको लिखना है 2 लिखना है, फिर कैपिटल में एप्स लिखना है, तो शिफ्ट दबा के एफ दबा दीजिए, कैपिटल हो गया। तो पहले 2F लिख लिया हम लोगों ने, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे लगा देते हैं, 2F हो गया। यहाँ पे देखिए आप 1 लिखना अलग से, आप यहाँ पे टेक्स्ट टूल में क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे आप 1 लिख लीजिए, ये 1। बहुत बार ऐसा होता है कि फॉन्ट अच्छा नहीं लगता है, तो फॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक करके ड्रैग करके आप यहाँ पे ये जो फॉन्ट ठीक है, अब यहाँ पे इसके नीचे हम लोग लगा देते हैं, ये देखिए यहाँ पे 2F1 हो गया, ये देखिए 2F1 लिख दिया। तो उसी तरह आपको F1 लिखना है, सिंपली अगेन टेक्स्ट टूल पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए F, यहाँ पे आप जैसे नॉर्मली टाइप करते हैं F1 है, F लिख दिया। अब ये जो 1 है नीचे वाला, इसी को आप यहाँ से एडिट में जाके यहाँ से कॉपी या डुप्लीकेट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे भी टाइप कर सकते हैं, वो सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करते हैं, ये देखिए हो गया F1 हो गया, 2 F1 F1। उसी तरह फिर आपको ये लिखना है, ये जिसे O लिखना है, उसके बाद F2 लिखना है, तो O लिखने के लिए सभी को पता ही है, यहाँ पर टेक्स्ट टूल पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक कीजिए, यहाँ भी क्लिक करके आपको O लिख देना, O लिख दीजिए। लिखने के बाद अगर पसंद नहीं आता है वो आपको, तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट है, आपको जो अच्छा लगे यहाँ से आप चूज़ करके यहाँ पे, ये देखिए ये हो गया, ये देखिए हो गया। अब इसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद हमें F2 लिखना है, तो F2 कहाँ लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है F2, इस जगह पर लिखना है, तो सिंपली यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर F2 आ गया। अब 2 लिखना है आपको, F2 लिखना है सिंपली, 2 अलग से भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया। उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिंपली आपको तरीका दिखा रहा हूँ, ये देखिए जैसे कम समय में, ये देखिए F2 हो गया। उसके बाद 2F2 आपको यहाँ लिखना है, तो ये भी सिंपल है, टेक्स्ट टूल में क्लिक कीजिए, यहाँ हो गया, ये लिख दिया 2, फिर ये F, उसके बाद 2 अलग से लिख देते हैं यहाँ पर 2। जैसा आपका मन करे आप इजीली आप कर सकते हैं, इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। ये देखिए 2F2 लिख दिया, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, तो ये देखिए 2F1 2F1 F1, उसके बाद 0F2 F2
टू एफ टू हो गया। यहाँ लिखने के बाद अब ऊपर में आपको लिखना है कॉन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे क्लिक करके मैं लिख देता हूँ कॉन्वेक्स लेंस। जी हाँ, तैयार हो गया। एल ई एन एस लेंस हो गया। अब इसको थोड़ा सा क्लिक करके बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया। इसको कलर करना है, कलर कर दीजिए, जैसा आपका मन करे। उसके बाद लिखना ही है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये तैयार हो गया। ये जो आपका गाइडलाइन, इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से डिलीट कर दीजिए, गाइडलाइन चला जाएगा। इस गाइडलाइन को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर दीजिए। हो गया ये पूरा का पूरा डिज़ाइन कॉन्वेक्स लेंस, आप देख सकते हैं ये तैयार हो गया। अब इसको ग्रुप करना है आपको, सिंपली आप यहाँ पिक टूल पर क्लिक कीजिए और इसको सिलेक्ट कर दीजिए। इस तरह सेलेक्ट हो गया, उसके बाद अरेंज में जाके इसे आप ग्रुप कर दीजिए। ये बन के तैयार हो गया। आप देखिए सेम टू सेम, देखिए यहाँ पे जैसा जैसा ये वाला बना हुआ, सेम टू सेम उसी प्रोसेस में ये भी देखिए ये भी बना हुआ है। देखिए ये देख सकते हैं, दोनों डायग्राम आप देख लीजिए, ये कॉन्वेक्स लेंस का। यहाँ पे भी देखिए सेम टू सेम, सिर्फ ये लाइन का जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लू है, ये दिखे जिससे कि मैं, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ईजिली हम लोग लेंस डायग्राम, फिजिक्स का जो डायग्राम है, हम लोग इस तरह का डायग्राम बना सकते हैं। और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।